कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी इस वक्त ड्रग्स मामले में पुलिस के गिरफ्त में है। कर्नाटक के बेंगलुरु की कोर्ट ने रागिनी द्विवेदी, संजना गलरानी और चार लोगों की पुलिस हिरासत 3 दिन और बढ़ा दी है। रागिनी और संजना के साथ उनके 4 और लोग पुलिस की हिरासत में 24 सितंबर तक है। आपको बता दें कि संजना गलरानी ने डोप टेस्ट करवाने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हालांकि बाद में एक्ट्रेस को मजबूरन ब्लड टेस्ट कराना पड़ा। इसी बीच कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी ने डोप टेस्ट से बचने के लिए कर दिया है गंदा काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रागिनी द्विवेदी ने डोप टेस्ट से बचने के लिए पानी में अपना यूरिन मिला दिया था। हालांकि उनकी ये चालाकी पकड़ी गई और उन्हें दोबारा यूरिन सैंपल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, रागिनी द्विवेदी ने डोप टेस्ट से बचने के लिए ये गंदा काम किया है। उन्होंने यूरिन में पानी मिला दिया था ताकि वो इस टेस्ट से बच सके, लेकिन उनकी ये चोरी पकड़ी गई जिसकी वजह से उन्हें दोबारा यूरिन सैंपल देना पड़ा। सीसीबी के अधिकारियों ने दावा किया है कि अभी जांच पूरी करनी बाकी है। अधिकारियों को 2 आरोपियों रविशंकर और प्रशांत राका के बीच चैट रिकॉर्ड मिला है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में हाई प्रोफाइल इवेंट ऑर्गेनाइजर वीरेन खन्ना का सर्च ऑपरेशन भी पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि रागिनी द्विवेदी को पिछले हफ्ते ही हिरासत में लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी से पहले हाई प्रोफाइल पार्टी के आयोजक वीरेन खन्ना के साथ संबंधों को लेकर उनके घर की तलाशी की गई थी। संजना को 3 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और अब वो पुलिस हिरासत में है।